यूपी के आजमगढ़ से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। अंबिका सेवा संस्थान के नेतृत्व में सुबह से ही राशन वितरण का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। इसी क्रम में आज रानीपुर रजमो में मजदूर दिवस के दूसरे दिन मनरेगा के तहत काम कर रहे दर्जनों मजदूरों को संस्था की तरफ से पानी और बिस्किट का वितरण किया गया। धूप में काम कर रहे मजदूर पानी और बिस्किट पाते ही उनके चेहरे खिल गए, क्योंकि मजदूरों के लिए पानी और बिस्किट संस्था द्वारा उस समय किया गया जब कड़ाके की धूप में मजदूर काम कर रहे थे। इस मौके पर संस्था के प्रभारी अध्यक्ष अभिषेक उपाध्याय ने बताया कि संस्था लगातार लॉकडाउन के तीसरे दिन से मोहम्मदपुर विकास खंड के 20 से अधिक गांव में 1000 से अधिक परिवारों को राशन, 3000 से अधिक लोगों को मास्क, जनपद के विभिन्न थाना तहसील ड्यूटी और डायल 100 पर तैनात पुलिसकर्मियों, तहसील कर्मियों को पानी और जूस का वितरण लगातार चल रहा है। संस्था के कार्यकर्ता सुबह से अपनी जिम्मेदारी समझकर सुबह से ही राशन पैकेट तैयार करने में लग जाते हैं और चयनित असहाय गरीबों तक राशन पहुंचाने का काम करते हैं। इस मौके पर दिनेश प्रजापति, संतोष शर्मा, शैलेंद्र मदनवाल, दीपक सिंह, अजय गुप्ता, राहुल मधेसिया, पवन अस्थाना, आलोक रावत, शिवम मुकेश, लकी श्रीवास्तव समेत कई सदस्य मौजूद रहे। संस्था के लोगों ने बताया कि जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक संस्था के लोग असहाय गरीबों तक खाद्यान्न पहुंचाने का कार्य करते रहेंगे। इंडिया पावर न्यूज के लिए आजमगढ़ से डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सरोज की रिपोर्ट। काली व्यवस्था मजदूर दिवस पर लेकिन इधर चला आज संस्था की तरफ से अच्छी जाए कम से कम आज न और ठीक है ना सब एकदम से